नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। जैसे हमने अपने पिछली वीडियो में देखा विंडोज के बारे में, विंडोज का कंपैरिजन, जैसे यूपीएक्सी विंडो, एल्यूमिनियम विंडो और वुडन विंडो। आज के वीडियो में हम एल्यूमिनियम विंडो का फिक्सिंग देखने वाले हैं। लेकिन ये इस केस में जब भी कोई पुराने घर का एल्यूमिनियम विंडो हम लोगों को अगर फिक्स करना है विदाउट डिस्टर्बिंग फ्रेम, मतलब फ्रेम को वही रखना है, सिर्फ बीच के शटर से या पैनल्स चेंज करना है, ग्लास या मॉस्किटो नेट मेश जो भी है वो चेंज करना है, तो कैसे करते हैं इसका हम आज एक डिटेल प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे। ये एक एल्यूमिनियम विंडो सेक्शंस है, वो मेजर विंडोज का मेजरमेंट लेके उसको उसके हिसाब से ही सेक्शंस कट किए जा रहे हैं। इधर एक कटिंग मशीन भी आप देख सकते हैं। इसमें मेनली एक चीज़ देखना है कि विंडोज का एक्चुअल मेजरमेंट लेके इसमें जो वर्टिकल्स है वो वर्टिकल एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल को नया सेक्शन लेके कट कर रहा है। इसमें 18 गेज के सेक्शन एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है। इसमें आप वो बता सकते हैं कि इसमें 18 गेज, 20 गेज और 20 गेज तीन टाइप का मटेरियल आता है। 18 गेज का मटेरियल बेटर रहता है और ये कट करते समय एक्चुअल मेजरमेंट के हिसाब से ये कट करते हैं। एक्चुअली इसमें एक एग्जिस्टिंग विंडो है उसका फ्रेम को भी डिस्टर्ब किए बिना उसके जो पैनल्स है पुराने, जैसे तीन ग्लास के हैं और दो मॉस्किटो मेश के हैं, वो निकाल के दो ग्लास का और एक मॉस्किटो मेश का लगाना है, तो उस हिसाब से ये पूरा पैनल और शटर चेंज करना है, तो उस हिसाब से ये विंडोज़ का फिक्सिंग का काम चालू है। ये देख सकते हैं आप वो विंडोज़ का जो सेक्शंस है उसके साइड का भी ये पूरा ग्रूव टाइप बना रहे हैं ताकि उसमें वो लॉक वगैरह अदर अरेंजमेंट कर सके। और ये कटिंग होने के बाद में यहाँ पूरा एक होल करके उसको फिक्सिंग का अरेंजमेंट कर रहे हैं, जैसे पूरा ये कटिंग के और सेक्शन का एक फ्रेम बना करके उसको स्क्रू से फिट करते हैं, फिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं ये उसका पैनल का फ्रेम का पूरा फिक्सिंग कर रहे हैं नट बोल्टिंग से, स्क्रू से। इसमें आप लगा देख सकते हैं कि इधर एक विंडोज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट लॉक है स्टार लॉक लगा रहे हैं, ये स्टार कंपनी है स्टार लॉक। ये स्टार लॉक पूरा उसमें सेक्शन में फिक्स कर रहे हैं। अभी इस तरफ से ये फ्रेम तैयार होता है। इसमें 4 mm थिक टिंटेड ग्लास यूज किया गया है, ये ग्रीनिश कलर का है। ये देखिए ये कटिंग मशीन से जो ग्लास है वो एक्सेस से वो कट कर रहे हैं। इसमें एक शार्प टाइप का मशीन आता है, वो जस्ट उसको स्लाइटली मूव करना है जितना कटिंग करना है। अभी इसके ऊपर एक एपीडीएम या फिर उसका रबर गैस्केट बोल सकते हैं, पूरा रबर लगा रहे हैं। ये पूरा ग्लास को चारों तरफ से वो रबर से कवर करते हैं। और ये रबर लगाने के बाद में ये जो ग्लास है वो उस एल्यूमिनियम फ्रेम में सेक्शन जो अभी फ्रेम बनाया था वो फ्रेम में फिक्स करते हैं।
ये आप देख सकते हैं वो ग्लास वो फ्रेम में फिक्स करने के बाद में वो विंडोज में कैसे बैठाते हैं। मतलब ये एक 3-ट्रैक विंडो है, इसमें दो इसमें ग्लास आएगा और एक इसमें मॉस्किटो मेच का जाली आएगा। ये लगाने के बाद में उसका मूवमेंट चेक करते हैं, मूवमेंट अगर प्रॉपर हो रहा है कि नहीं वो देखना है, उसके साथ ही लॉक वगैरह लगता है कि नहीं वो लॉक भी देखना है। ये विंडोज़ लगाते हैं, लगाने के बाद में उसका मूवमेंट और लॉकिंग चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, स्लाइडिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं और उसका लॉक बराबर लग रहा है कि नहीं। इधर आप अभी देख सकते हैं ये जो मॉस्किटो मेश है वो मेश कैसे बैठाते हैं। सबसे पहले वो फ्रेम, जैसे हमने अभी देखा वैसे फ्रेम एल्यूमिनियम सेक्शन का वो फ्रेम बनाते हैं, और ये फ्रेम बनाने के बाद में उस पर साइड के उसके हिसाब से वो जो ग्रू होल रहता है गैप रहता है उसके लिए वो छोटा सा वो एल्यूमिनियम का पट्टी कट करते हैं, और उसके बाद ये जो जाली है जाली का मेजरमेंट लेके जाली का भी कटिंग करते हैं, जिसे आप इधर देख रहे हैं। ये जो छोटा एल्यूमिनियम पट्टी आप देख रहे हैं इसके अंदर जाली फिक्स होती है, ये जाली अंदर डालने के बाद में इसको अंदर लगा के बाद में उसमें स्क्रू वगैरह फिक्स करते हैं, उसी के लिए इसको ये होल बना रहे हैं। ये देखिए जाली वो अपने रिक्वायर्ड साइज़ के हिसाब से कट करने के बाद में वो फ्रेम के अंदर बैठाते हैं। जाली का जो साइड एज है वो एज को थोड़ा बेंड करके रहते हैं, और वो बेंड करने के बाद में उसको फ्रेम के अंदर बैठाते हैं। ये आप देख सकते हैं जाली का एज कैसे बेंड कर रहे हैं। देखिए ये बेंड किया हुआ जाली इसे अंदर फ्रेम में फिक्स करते हैं। यहाँ जो एक्सेस जाली है वो कट कर रहे हैं। ये जो एल्यूमिनियम का स्ट्रिप है पट्टी है उसको जाली बैठाने के बाद में अंदर डालते हैं ताकि जाली अंदर फिक्स रह सके या फिर लॉक हो सके। ये देखिए उसको पूरा अंदर से फिक्स कर रहे हैं।
और ये बैठाने के बाद में ये जाली इधर ऊपर बैठा रहे हैं, ठीक है, विंडोज़ में जाली आधा बाहर साइड में रहता है, जो दोनों ग्लास अंदर साइड में, इधर आप देख सकते हैं ये दो ग्लास का पैनल है और एक जाली का पैनल है। तो दोस्तों आपने देखा कि विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग फ्रेम हम लोग ये विंडो कैसे फिक्स करते हैं, एल्यूमिनियम विंडो। तो इसमें वजह से मिरर ग्लास हो गया, टिंटेड ग्लास जो है, या फिर मॉस्किटो मेश है, ये पूरा उसमें पैनल में बैठा के कैसे फिक्स करते हैं ये हमने अभी देखा। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार अगर आप चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।